नमस्कार बच्चों, सो टुडे वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बिकॉज सिंस सो मेनी डेज वी आर जस्ट ऑन द सेम चैप्टर बिकॉज सो मेनी टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड बट टुडे वी आर गोइंग टू फाइनलाइज हम इसमें देखा हाउ द कोल्ड वॉर एंडेड एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूनिपोलर वर्ल्ड एंड शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एंड नाउ टुडे वी हैव रीच्ड की What was the scenario and the tensions after that? Shock therapy के बाद पूरे worldwide कौन-कौन सी tensions, कौन-कौन से conflict जो थे, they were sustaining and we will study about the relations of India and USSR. कि उनके आपस के relation किस तरह से maintain कर रहे थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. दो चीजें पढ़ेंगे tensions और conflicts के बारे में and we will study about the relations of India and the रशिया. सो हियर वी विल स्टार्ट कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट एंड रशिया टू रिपब्लिक चेचनिया एंड डेगिस्तान में वॉयलेंट सेक्शनल मूवमेंट्स हो रहे थे अलग होने के लिए. सो दिस वाज द टेंशन द टाइम. द फर्स्ट वन इन रशिया टू रिपब्लिक चेचनिया एंड डेगिस्तान दे वर हैविंग द वॉयलेंट सेक्शनलिस्ट मूवमेंट दैट वाज द वन. नंबर टू इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 इयर्स. तजाकिस्तान में 10 इयर्स के लिए सिविल वॉर हुआ. तो आप देखिए कैसे रशिया में इश्यूज था सेक्सिस्ट मूवमेंट को लेकर, तजाकिस्तान में भी सिविल वॉर हुआ. देन इन अजरबैजान दैट इज द प्रोविंस ऑफ नागोर्नो एंड कारबाकान सम लोकल्स वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मेनिया. जो पर्टिकुलर प्रोविंस था नागोर्नो का वहां पे कुछ लोग दूसरी कंट्री को ज्वाइन करना चाह रहे थे. सो दिस वॉज द ग्रेट इश्यू ऑफ द टाइम. देन जॉर्जिया डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस इन सिविल वॉर. सिविल वॉर जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डिस्प्यूट होता है उस पर जॉर्जिया ने एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करी. सेंट्रल एशिया जोन बना कॉम्पिटिशन का, जहां पे कॉम्पिटिशन किसमें था आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज में, क्योंकि जो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे वर प्रोवाइडिंग द ऑयल दैट वॉज अ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी यूज बाय ईच एंड एवरी कंट्री. सो ये एरिया कॉन्फ्लिक्ट का बना जहां पे आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था. देन इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया चेक्स एंड स्लोवाक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ. ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया चेक्स एंड स्लोवाक्स दो पार्ट डिवाइड हुआ. नाउ अबाउट द बाल्कन स्टेट सोवियत कॉन्फ्लिक्ट जो बाल्कन रिपब्लिक था यूगोस्लाविया में वो कितने पार्ट में आया 1991 में. क्रोशिया स्लोवेनिया बोस्निया हर्जेगोविना. सो दीज कैन बी योर वन मार्क क्वेश्चंस और द स्मॉल क्वेश्चंस कि जो यूगोस्लाविया है दैट वाज डिवाइडेड क्रोशिया स्लोवेनिया बोस्निया हर्जेगोविना. ये सारे जो थे उस समय के आपके डिस्प्यूट थे जो अलग अलग कंट्रीज में हो रहे थे. दे वर फेसिंग द सिविल वॉर एट द इशू इन द पर्टिकुलर प्लेस. द फर्स्ट वन रशिया में क्या था चेचनिया डेगिस्तान वॉयलेंट सेक्शनल मूवमेंट था. द सेंट्रल एशिया में क्या था तजाकिस्तान विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 इयर्स एंड अजरबैजान दैट इज द प्रोविंस ऑफ एगलियो उनमें क्या था सम लोकल पीपल वांट टू ज्वाइन आर्मेनिया. एंड जॉर्जिया वॉज डिमांडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस इन सिविल वॉर. सेंट्रल एशिया वॉज द जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द आउटसाइड पावर्स एंड द ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज. नाउ इन ईस्टर्न यूरोप चेकोस्लोवाकिया चेक्स एंड स्लोवाक्स टू पार्ट डिवाइड हुआ एंड यूगोस्लाविया दैट वॉज क्रोशिया स्लोवेनिया बोस्निया एंड हर्जेगोविना. सो इन सच अ मैनर वी कैन सी वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट्स वर देयर एट द टाइम एंड दे वर गोइंग टू बी रिजॉल्व बाय देयर ओन एंड द इश्यूज वर रिजॉल्व बाय द ओन लोकल गवर्नमेंट एंड उनके थ्रू. इफ यू सी मोस्ट ऑफ द हैव द रिजल्ट दैट दे वर डिवाइड वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए थे. द समवन इज डिसाइडेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम समवन दे वर getting them free from the others. So इस तरह से particular areas के अलग अलग portion में division हो रहे थे अलग अलग part हो रहे थे. So this was the scenario tensions और conflicts थे जिनके बारे में हमने ये देखा. Now coming to India and the post communist countries. अब communist के बाद कौन कौन सी countries थे India के क्या relation थे. तो first we will talk about the Russia. Russia की बात करते हैं. The strongest relation थे Russia और India के. India and Russia both are having
the strongest relations, important aspect of India's policy. अब जो रशिया था वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना. फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें डिप्लोमेसीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं. सो इन आर फॉरेन पॉलिसी देयर वाज अ गुड प्लेस ऑफ रशिया. वी वर हैविंग गुड ट्रेड विद देम, वी वर हैविंग सम नेगोशिएशंस एग्रीमेंट्स विद देम आल्सो. सो रशिया गॉट द इंपॉर्टेंट प्लेस इन आर फॉरेन पॉलिसी. द नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ कॉमन ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट. अब when two countries are going to talk or when two countries are behaving in friendly manner, so a common trust jo hota hai wo create hota hai. So that was created at the time. So common trust and interest was created, and you will see when the countries are interacting with each other, to wahan pe interaction political hi nahi hota, it can be economic, it can be cultural. So we can see Bollywood glimpses can also be seen there. From Raj Kapoor to Amitabh, their influences were there, and Hindi songs were identified in Russia. Do recall the song of Raj Kapoor, "Mera Juta Hai Japani, Ye Patloon Hindustani Sar Pe Laal Topi Rusi." So, in such a manner, these Hindi songs were identified in the country that was the Russia. Even our actor, actresses, Raj Kapoor ho, Amitabh Bachchan ho, everyone is identified there. Then coming to multipolar world order. अब हमारा जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कोल्ड वॉर हुआ, टू सुपर पावर्स बन गए, यूएस एंड यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन हुआ, देन यूनिपोलर बना जिसमें अमेरिका था. अब मल्टीपोलर विजन की बात हुई थी जहां पे सेवरल कंट्रीज विल गेट द इम्पोर्टेंस. जब बहुत सारी जो कंट्रीज है उनको हम इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, हमने उसकी बात की. वो कैसे? को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम. ऐसा नहीं कि 1, 2, 3 दीज आर द फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कंट्रीज, दे शुड हैव द एसेस ऑन द रिसोर्सेज और दे शुड गेट द इम्पोर्टेंस और ओनली दिस पर्टिकुलर फ्यू नंबर्स आर गोइंग टू गेट द इम्पोर्टेंस. नो, ईच एंड एवरी कंट्री इज हैविंग सम स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस. हर कंट्री की कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है, उसका कोई एक एग्जिस्टेंस होता है. तो उन सभी के एग्जिस्टेंस को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर विजन में आइडेंटिफाई किया जाए. Then collective security, greater regionalism. अब collective security की हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की security, एक दूसरे के जो norms हैं, tradition हैं, उनको respect करें. Then greater regionalism. अपने region के लिए, अपने region के लिए faithfulness होना, अपने region के लिए trustworthy होना. That was also very important aspect in that. Negotiations. Settlements of international or independent foreign policy. अब international level की negotiations करना, agreement करना, जो कि foreign policy का main part बने. So this was also the part of that multipolar system. Then decisions will be made by UN. तो decision जो करे, when we are having the international institution that is UN, United Nations था, UN के बाद में बना. डिसीजन मेकिंग का उनको दे, ना कि किसी ऐसी कंट्री को. बिकॉज इफ द कंट्री इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजन, दे कैन क्रिएट द इशू इन दैट दे विल सी देयर ओन वेलफेयर. तो हम किसी ऐसी नॉन पार्शियल इंस्टीट्यूशन को डिसीजन मेकिंग दें जो बिना पार्शियलिटी के, बिना किसी परसेप्शन के वर्क कर पाए. नाउ 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया. अब इंडिया और रशिया बायलेटरल एग्रीमेंट जो दो पर्टिकुलर पार्टीज के बीच में होते हैं, वो एग्रीमेंट हुए इंडिया और रशिया के बीच में. नंबर सी था नंबर 80 मीन्स बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था, बहुत ज्यादा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत ज्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट हुआ. देन देयर वाज द नेगोशिएशन, देयर वर द नेगोशिएशन ऑफ 80, नंबर 80 था वहां पे. नाउ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स भी हुए थे दोनों के बीच में. सो ऐसा वी कैन सी बोथ वर हैविंग good relations, strong relations, cultural communications were there. Both were agree on the vision of multipolar world. So views were matching, ideologies were matching. In that way, it created, helped a lot to maintain healthy and strong relations between the India and Russia. आपकी समझ, understanding जो create हुई, उसने इंडिया और रशिया के रिलेशंस को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प किया. अब इन दोनों की क्या फेवर थे, वो क्यों
एक दूसरे से जुड़े, तो इंडिया को फेवर मिल रहा था कश्मीर मुद्दे में, कश्मीर में जो देयर वाज द प्लेस फॉर डिस्प्यूट एंड द डिस्प्यूट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इंडिया वाज द हैविंग द फेवर फ्रॉम द रशिया. इसके अलावा एनर्जी सप्लाई, इसके अलावा जो एशिया में टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिकेशन को लेकर इंडिया वॉज डिपेंडिंग ऑन रशिया. सो इस वजह में दे वर हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट, इंडिया हो चाहे रशिया हो, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट थे. ऑन दैट बिहाफ दे वर जॉइंट टू ईच अदर. द नेक्स्ट वन, रशिया क्या कर रहा था, तो इंडिया उसके लिए एक सेकेंड लार्जेस्ट आर्ट मार्केट था रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्ट मार्केट था रशिया के लिए. रशिया से हम उन पर्टिकुलर चीजों को ले रहे थे फॉर द आर्मी यूज. और इंडियन मिलिट्री का जो हार्डवेयर था, इंडियन मिलिट्री के हार्डवेयर के लिए वी वर टोटली डिपेंडिंग ऑन रशिया. इंडियन मिलिट्री के हार्डवेयर के लिए भी हम रशिया पर डिपेंड कर रहे थे. देखिए जब भी ये स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज होती हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज होती है, व्हेन वी आर हैविंग इंटरेस्ट इन अदर्स देन वी क्रिएट द रिलेशंस. हम जब किसी और कंट्री से रिलेशंस मेंटेन करते हैं तो इट कैन बी फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए हमें, हमें हमारी ट्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो इंपोर्ट है वो और एक्सपोर्ट है उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वॉच. सो वेन वी मेक फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल, वी सी आर ओन बेनिफिट ऑल्सो. और जब हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाते हैं तो कंट्रीज विल हैव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एक्सचेंज होता है, चीजें जो होती हैं हम लर्न करते हैं, सीखते हैं वहां से. तो दिस हैपन इन द केस ऑफ रशिया, क्योंकि ये सिमिलर था, ये इंडिया को हेल्प कर रहा था कई सारे मैटर को लेकर, और इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो मैच कर रही थी. तो दे गॉट द स्ट्रॉन्ग रिलेशंस. फाइनली क्विक रिवीजन, रशिया टू रिपब्लिक चेचेनिया दागेस्तान वो एडमेंट हुआ, दागेस्तान वार फॉर 10 इयर्स प्रोविंस ऑफ नागोर्निया, लोकल वांटेड जो आर्मेनिया, जॉर्जिया डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इन सिविल वार, देन सेंट्रल एशिया जोन कॉम्पिटिशन किसके बीच में था, कॉम्पिटिशन बिटवीन द आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज, चेकोस्लोवाकिया, चेक्स एंड स्लोवाक्स डिवाइड हुआ, देन सोवियत कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन्स, यूगोस्लाविया डिवाइड हुआ, नेदरलैंड्स, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, दीज वर द रीजन ऑफ दैट. देन वी स्टडीड अबाउट द इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, कौन सी, रशिया. स्ट्रॉन्ग रिलेशंस वर देयर, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी का पार्ट बनाए, कॉमन ट्रस्ट और इंटरेस्ट की हिस्ट्री बनी, राष्ट्रकुल अमिताभ और हिंदी सॉन्ग्स, एवरीथिंग वी हैव सीन देयर, एंड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड विजन हुआ, इसमें कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है, ग्रेटर रीजनलिज्म की बात होती है, नेगोशिएशंस वर देयर, सेटलमेंट्स वर देयर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसे क्रिएट करने के लिए डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द यूएन. बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, कितने हुए, 80 हुए, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया एंड रशिया के बीच में. इंडिया जो था वी वर गेटिंग द सपोर्ट ऑन द कश्मीर मैटर, ऑन द एनर्जी रिसोर्सेज, एंड फॉर द सेफ्टी रीजन लाइक फॉर द टेररिस्ट दे वर गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन एशिया. एंड द अदर थिंग, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द आर्म्स फॉर रशिया, एंड वी वर डिपेंडिंग फॉर द हार्डवेयर इन द मिलिट्री थिंग्स फॉर द ऑन रशिया. तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे. दिस वॉज द सिस्टम, द एंड ऑफ बायोपोलिटी, बायोपोलिटी का एंड हो गया था, और नाउ एवरी कंट्री वॉज हैविंग देयर ओन इंपॉर्टेंस, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस. और मल्टीपोलर सिस्टम में हमने कहा कि द कंट्रीज विच आर हैविंग पोटेंशियल, जिनमें कुछ अच्छा है, जैसे दे आर हैविंग समथिंग टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो उन्हें भी सामने लाया जाए. ये सारे डिविजन, ये सारा जो उनमें एक रैंक आया, जो एक अवेयर हुए वो बाकी इंस्टीट्यूट को देखते हुए, सो नाउ दे वर रेजिंग देयर वॉइस फॉर इंडिपेंडेंस. सो नाउ द वेव ऑफ फ्रीडम वॉज स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस वॉज द एंड ऑफ बायोपोलिटिक्स, द चैप्टर इज एंडेड. And definitely, I will send some reference video for the same Indian-Russian relations. You will see how the relations have been changed from time to time. And one more thing, don't forget to read from CBSE My Guide. In chapter, में जो questions आपके आते हैं, उन्हें आप watch करें, देखें. Very soon we will have one open book test also, जिसमें हम आपको बताएंगे what sort of questions can come. One mark question, MCQs, 3 marks, 6 marks, every sort of questions can come. So आप जब जब topic पढ़ें तो do read from NCERT also.
टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम इसलिए पढ़े कि आपको क्लियर है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था एंड कॉन्फ्लिक्ट का इशू क्या था, कैसे डिविजन हुआ, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ. सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड सो दैट यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वॉट एवर इज कमिंग इन एग्जाम. सो यू हैव टू प्रिपेयर फुली फॉर दैट. And at the end of the topic, we will give some questions to be done by you and do solve the question in your political science book. So now this chapter second is ended. Ab hum book start karenge partition wale chapters ki. Then we will see more about the aspects of Indian Constitution. So this was the topic and this is the last topic of the end of the bipolarity. Now the chapter ends here. So do revise the things, do make the notes, don't forget to read from NCERT and do see the questions in CBSE MyGov ki aapke board mein kis tarah ke question aate hain. So one session we will keep for the questions only, we will see what sorts of questions can come in exam. So that's all for the day, do revise, thank you.